ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की अहम खबर की ओर करते हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शराब के खिलाफ पुलिस ने की है अहम कार्रवाई। टिकट नगर इलाके के बांस गांव से 310 लीटर शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण के साथ एक की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस को देख बाकी आरोपी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने 20 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, तो पुलिस के हाथों एक अहम सफलता हाथ लगी है। शराब बनाने के उपकरण के साथ एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी कुछ भागने में कामयाब हो गए। तो शमशेर बहादुर प्रभारी निरीक्षक उदयराज थाना टिकैत नगर तो छापेमारी करने वाली पुलिस टीम के सदस्य ने को एक अहम सफलता हाथ लगी है और इसके खिलाफ मुहिम लगातार उत्तर प्रदेश में छेड़ी जा रही है। जहां भी अवैध शराब बनाया जा रहा है वहां पर कदम उठाया जा रहा है, और अवैध शराब जहां पे बनाया जा रहा था वहां पुलिस की दबिश देने के बाद, हालांकि एक आरोपी तो गिरफ्तार हो गया लेकिन कुछ भागने में कामयाब हो गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनू वर्मा, कांस्टेबल थाना टिकैत नगर। तो जो छापेमारी करने वाली पुलिस टीम के सदस्य हैं उनमें विवेक कुमार कांस्टेबल भी हैं, राजन कुमार गुप्ता हैं जो कि कांस्टेबल हैं थाना टिकैत नगर के। इन छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम बनाई गई है और ये जगह जगह जाकर ऐसे छापेमारी कर रहे हैं, और जहां भी अवैध शराब बनाया जा रहा है उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि लगातार कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश में अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसके चलते कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार इसे लेकर सख्ती बरत रही है और प्रशासन भी अभियान चलाया जा रहा है, और इसी अभियान के तहत जगह जगह छापेमारी की जा रही है जहाँ पे नकली शराब के धंधे पर शिकंजा कसा जा रहा है।